हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड एक्चुअली अभी हॉट चल रहा है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको ना एक लेआउट बताना चाहूँगा जिसका नाम है गणेशपुर बोल के, जो लोकेटेड है बीदर से लगभग अराउंड 8 to 11 किलोमीटर के बीच में। मतलब अभी जो 8 किलोमीटर दूरी पे है बीदर से। ओके, बीदर कर्नाटक स्टेट, बीदर सिटी, कोड 585401 या फिर 403। ये आपका बीदर जहराबाद या फिर बीदर हैदराबाद मेन हाईवे रोड है, और रोड से भी लगभग यहाँ पे सर्विस रोड ऐसा छोड़ के जो है बनाए गए प्लॉट्स। प्लॉट का पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और स्कूटी के जरिए पूरा मैं लेआउट आपको घुमा दूंगा, और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं यहाँ के लोग आप परचेज कर सकते हैं। और कॉस्ट जो अभी इनका जो सेइंग प्राइस है, जो ओनर है ना, उनका सेइंग प्राइस 700 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। प्लॉट साइजेस अवेलेबल है 33x50 साइजेस में कुछ अवेलेबल है। ओके, लेआउट मैं दिखाऊंगा, एंड एक एडवांटेज मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे फील्ड वाला सॉइल नहीं है, मतलब भर्ती किया हुआ सॉइल नहीं है, एकदम नॉर्मल और प्लेन लैंड है। बहुत सारे मैं लेआउट देखा हूँ वहाँ पे जो है फिलअप किया जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ओके, फर्स्ट आपको नक्शा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा वाकथ्रो दिखाऊंगा, और जो खुदाई की है ना वहाँ पे भी आप जान सकते हैं कि सॉइल का कंडीशन, मतलब फिलअप किया या नहीं किया, और जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे घर तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है गणेश नगर बोल को नाम रखा गया इसका, मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, और ऐसा एक डेमो भी दिखाया गया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ। ओके, और ये है लेआउट प्लान। फैसिलिटीज़ देखिएगा, रोड्स, मेन रोड, और आई थिंक जो मेन रोड ये देख रहे हैं आप 40-45 फीट का कुछ लग रहा है, शायद 40-45 आई थिंक सो मेन रोड है आपका, और बाकी का जो है 9 मीटर यानी कि 30-30 फीट के रोड है। ओके, ये जो प्रपोज रोड है ना, यहाँ से मेन एंट्रेंस रोड से यहाँ से आप चले गए तो प्रोजेक्ट वाइड रोड, यहाँ पे साइट रिजर्व फॉर ओपन स्पेस। ओके, एंड यहाँ पर जो है प्लॉट्स अवेलेबल है, और जो भी ये राउंड अप किया गया है ये थोड़ा फील्ड लैंड है, फिलअप हो चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली ऐसा है दोस्तों, ओके, प्लॉट साइजेस 33-50 बोला था ना, नहीं 33-40 के अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन किया गया है। एंड ये जो सामने के प्लॉट से थोड़ा सा बड़ा है, वो साइजेस जो है ना 33-50 का है, ये थोड़ा कम साइज, यहाँ पे ज़्यादा दिया गया आई थिंक, ये है 52 फीट 9 इंच, 33x52 फीट 9 इंच, 33x50 फीट, हाँ थोड़ा सा उसमें एडजस्ट किया गया इसमें। एंड ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये मेन हाईवे रोड अभी इन फ्यूचर में बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। लेट अस सी अंदर मैं दिखाऊंगा, और फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं DTCP अप्रूव्ड लेआउट 100% वास्तु, क्लियर टाइटल, रेसिडेंशियल जोन, ऑल ब्लैक टॉप रोड, स्टार रोड, चिल्ड्रन पार्क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक लाइन्स, ग्रैंड एंट्रेंस आर्च, यहाँ पे जो आर्च आता है ना डेवलप होने के बाद, फिर उसके बाद ऑल अराउंड फेंसिंग, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ओवरहेड टैंक, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट प्राइस, बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब लगभग एक 3 से 4 साल के अंदर इसका रेट बढ़ जाएगा, लगभग जितना आप इन्वेस्ट करें उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। अभी मैं लेआउट पूरा फुल वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ, लेट्स सी। तो हम चलते हैं लेआउट का वॉक थ्रू, ऐसा है मेन एंट्रेंस। तो ये जो आप देख रहे हैं कमर्शियल लैंड 33-50 का कुछ है, 33-50-55 ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा कम हो रहा है, और इसके पीछे जो है ये 30x40 फीट के प्लॉट्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी, एंड इधर जो है आपका सेकेंड रोड चालू हो गया, मतलब एकदम नज़दीक है, वैसा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नेचुरल सॉइल है, मतलब फील्ड नहीं है समझो, उधर हार्ड स्टाटा, तो अगर आप घर कंस्ट्रक्ट किए तो भी आपको ज़्यादा ये नहीं पड़ेगा,
ओके रोड साइड भी अवेलेबल है एंड एड्रेस भी वहाँ पे जरा देखेंगे, एक गुरुकुल स्कूल है ना, गुरुकुल स्कूल वहाँ पे आता है। लेट्स से अभी मैं आपको दिखाऊँगा, अभी इसका ड्रेनेज का कुछ वर्क चल रहा है, आई थिंक कैस्केड किया गया है। सॉरी फोर्टी है पूरे 30x40। और अच्छा लगा मुझे एक चीज़ जो है इसका नेचुरल सॉइल, प्लेन लैंड नेचुरल सॉइल, अगर आप थोड़ा अंदर लिए तो भी कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्यूशन का वर्क चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो एक दो साल के बाद या फिर 3 साल के बाद आपको बढ़िया सा एक आउटपुट आपको मिल सकता है। और बेस्ट थिंग जो है आपको साउथ और नॉर्थ का कम मिलेगा, ईस्ट वेस्ट ज़्यादा प्लॉटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा रोड कितना पॉश, 30 फीट रोड वाइड है ये, 30 फीट। वही 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हिसाब से आपको मिल जाएगा।